लेपर्ड को ट्रेस करने की रणनीति बनाई जा रही है। मेरे को सामने से गाड़ी खड़ा हो के मेरे पीछे भाग गया, मैं गाड़ी तेज होता है भगा के अभी आ गया, बाल बाल मेरे को बचाओ। उदयपुर के गोगुंदा और झाड़ौल में आदमखोर लेपर्ड का खौफ है। वो राठौड़ों का गुड़ा क्षेत्र के अंदर जहां इसने दो अटैक किए थे जिसमें कैजुअल्टी हुई थी, वहां पर वन विभाग प्रशासन और पुलिस विभाग सभी लोग मिलकर के ग्रामीणों के साथ इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। तो जीना भी हराम कर दिया है। अभी जो वो पैंथर यही है, आज चार दिन हो गए हैं। चार दिन में नहीं तो वन विभाग वालों ने कुछ पकड़ा है, कुछ पकड़े तो हमको शांति मिले। ये किसी आतंकी का सर्च ऑपरेशन नहीं, लेपर्ड को ट्रेस करने की रणनीति बनाई जा रही है। उदयपुर के गोगुंदा और झाड़ौल में आदमखोर लेपर्ड का खौफ है। चार लेपर्ड्स को पकड़ने के बाद भी शिकार की तीन घटनाएं हो चुकी हैं। तो उसके पहले भी एक आसपास एक मंदिर का पुजारी को अटैक किया। तो ये साइन होता है, इट बिकम ए मैन किलर। वो राठौड़ों का गुड़ा क्षेत्र के अंदर जहां इसने दो अटैक किए थे जिसमें कैजुअल्टी हुई थी, वहां पर वन विभाग प्रशासन और पुलिस विभाग सभी लोग मिलकर के ग्रामीणों के साथ इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। और पिछले गत दो दिन से कोई ऐसी अटैक की स्थिति नहीं हुई है, क्योंकि प्रशासनिक रूप से सभी लोग मुस्तैद हैं यहाँ पे। और गाँव वालों को भी लगातार हिदायत दी है कि वो अभी अपने घरों के अंदर ही रहें ताकि कोई फर्दर कैजुअल्टी नहीं हो। और जहां तक पकड़ने की बात है, उसके लिए वन विभाग की ओर से केस वगैरह लगा रखे हैं, सेंट्रलाइजिंग टीमें स्ट्रेटेजिक पॉइंटों पर हैं और उसका वेट कर रहे हैं कि वो आए तो उसको कोशिश करें कि या तो उसको हम ट्रैप करें या फिर हम उसको ट्रैंकलाइज करें। नई स्ट्रेटेजी के रूप में बस यही है कि अभी पेशेंस से उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको पकड़ा जा सके या फिर उसको ट्रैंकलाइज किया जा सके। तो जीना भी हराम कर दिया है। अभी जो वो पैंथर यही है, आज चार दिन हो गए हैं। चार दिन में नहीं तो वन विभाग वालों ने कुछ पकड़ा है, कुछ पकड़े तो हमको शांति मिले, नहीं वो उसको मार रहे हैं। दोनों में से कोई भी एक काम हो, हम भी कहीं काम पे जावे, हम आम आदमी है, कमाई करके खा रहे, हमारे कोई सरकारी नौकरी नहीं। चार दिन के बाद हम भी भूखे मर रहे, हमारे बाल बच्चे है, सब देखना पड़ता है। सरकार क्या कर रही है वो चार दिन में? अभी माहौल कैसा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं? नहीं जा रहे स्कूल, कहाँ जा रहे स्कूल कोई नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल में सब सरकार बैठे हुए, लेकिन हमारा थोड़ा देखना पड़ता है लोगों को, सबको सरकारी नौकरी है को नहीं हमारे। दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में लोग लठ लेकर दिन में भी अब गश्त करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्रवाई पर नाराजगी प्रकट की है और आक्रोश जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग के लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और लोग दहशत के मारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। न वन विभाग कोई अपनी टीम को जंगल में घुमा रहे हैं विशेषकर, और बाहर से जो हैदराबाद से वो लाए हैं शूटर, वो भी रोड रोड पे घूम रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं, और बाकी लोगों में बहुत भय बना हुआ है। अभी तक न तो कोई शूट करने के लिए कोई टीम जंगल में घूम रही है, न कोई विशेषकर, कोई नहीं, खाली टाइम पास कर रहे हैं, इनका नौकरी का समय जो पूरा कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर एक जानवर आदमखोर कैसे बन जाता है? बच्चों की माँ ऐसे आदमियों को मारना खाना सीख गई, बच्चे भी माँ के साथ वो टेस्ट लगा लेते हैं, वो सक्षम होते हुए भी ये मानते हैं माँ ने किया तो हम भी कर ले, सच कर लेते हैं। और ये रेगुलर, ये ज्यादा खतरनाक इस तरह का। लेपर्ड को पकड़ने के लिए टीम ने रणनीति में भी बदलाव किया है, इंसानी डमी लगाकर जाल भी बिछाया गया। सर्च ऑपरेशन अब दो गांव के 3 किलोमीटर एरिया तक सीमित हो गया। लेपर्ड के मूवमेंट के आधार पर टीम की जगह बदलती रहती है। सर्च कैंप में हर सूचना को वेरिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। करीब 12 जगह पर लगाए गए हैं, 3 किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर जगह जगह इन पिंजरों को लगाया गया है। कमजोर पॉइंट्स है जहां पे ये कि वापस उसका हमला हो सकता है, गाँव वालों की सुरक्षा, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करने के लिए अलग अलग टीमें भी बनाई गईं। क्योंकि टेरेन बहुत खराब है, यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, तो अगर लेपर्ड कहीं दिखेगा तो ये आदेश है कि उसको ट्रैंकुलाइज कर किया जाए। आदमखोर लेपर्ड को पकड़ने के लिए कैमरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है।
पुलिस के शार्प शूटर्स को भी जगह जगह तैनात किया गया है। अभी अभी मैं 7:30 बजे सदारपुरा से ढोल लेके ढोल आ रहा था, इसके बीच सामने बड़ी स्कूल और राज मंदिर के बीच सीधा दिखा मेरे को सामने से गाड़ी गए, सीधा रोड के किनारे लाइट देख के दब गया था, मेरी गाड़ी उसके बराबर में आई और खड़ा होकर मेरे पीछे भाग गया, 20 फीट मेरे पीछे दौड़ा, मैं गाड़ी तेज होता भगा के अभी आ गया, बाल बाल मेरे को बचा, उसको वन विभाग से ही फिलहाल को दल से दल बीजा लगा कर उसको पकड़ने की कोशिश करे, न करे मन गए हमला कर गया कोई शूटर है जो वहाँ पर तैनात हैं और शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है और वन विभाग के 300 से अधिक कर्मचारी अलग अलग जिलों के जो DFO हैं वह वहाँ पर हैं और जो राजस्थान के वन संरक्षक से जो अन्य अधिकारी हैं वह लगातार नज़र बनाए हुए हैं, साथ ही स्पेशल टीमें वह लेपर्ड के लिए पहुँची है और ग्रामीणों को उस माहौल से निकालने के लिए पहुँची है, लेकिन अभी भी माहौल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक दिन पहले एक माँ बेटी पर हमला होता है लेकिन माँ बेटी कमरे में भाग जाती है, उससे पहले एक माँ बेटे पर हमला होता है, उस समय भी जो लोग थे वह वहाँ पर आ जाते हैं हमला करने की कोशिश लेपट करता है और अब देर रात को एक दूधिया जो वहाँ से निकल रहा था और उस पर हमला करने की कोशिश की, अचानक दुबक कर बैठा हुआ लेपट रोड पर आ गया और जब दूधिया ने देखा तो उसने बाइक को भगाया, करीब 200 मीटर तक लेपट पीछे पीछे दौड़ता रहा और बाइक सवार ने इस तरह दूधिया ने गाड़ी भगाई कि वह वहां से भाग निकला, अन्यथा वह भी उस लेपर्ड का शिकार हो सकता था।